हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेस्ट एवर एगलेस वेनिला केक। बेस्ट एवर इसलिए क्योंकि मैंने वेनिला केक की बहुत सी रेसिपी ट्राई की है, पर इस केक का टेस्ट और टेक्सचर उनमें से सबसे बेस्ट है। तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स और व्यूअर्स का ये मैसेज था कि आइसिंग का फाइन एजेस उनसे अच्छे से नहीं बन पाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम इसे चॉकलेट लेस और फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसके सारे सीक्रेट्स जानने के लिए आप ये रेसिपी एंड तक जरूर देखें। तो केक आप जिस भी मोल्ड में बना रहे हैं उसे आप पहले ग्रीस कर लें। तो उसमें नीचे आप पहले बटर पेपर लगा लें और कुछ इस तरीके से तेल लगा लें। अगर आपके पास इस तरीके का ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो आप सिर्फ उसमें ऑयल अच्छे से लगा लें। उसके बाद आप एक छन्नी ले लें, उसमें डाल दें मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो क्वांटिटी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एक साफ बाउल में आप डाल दें पिसी हुई शक्कर, उसके बाद मिल्क पाउडर। यहाँ आप मिल्क पाउडर अच्छे ब्रांड का ही यूज करिएगा। फिर आप डाल दें ऑयल, तो यहाँ पर आप सनफ्लावर ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए दूध, और इसे अब हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो हैंड ब्लेंडर से आप पहले इस तरीके से इसे घुमा लें, और उसके बाद आप हैंड ब्लेंडर चलाएं। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक चारों चीजें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती हैं, तो ये करने में आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो आप बाउल को साइड से भी क्लीन करिएगा ताकि सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ऐसे ही रेसिपी आपको मिलते रहे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो करीबन मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया है ब्लेंडर में। अब इसमें हमने जो पहले से रेडी करके मैदा रखा है जिसमें हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाया है वो ऐड कर लेते हैं। आप ये सारी चीजें मेजरमिंग कप और मेजरमिंग स्पून से ही मेजर करके डालिएगा। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए वेनिला फ्लेवर। तो मैंने पहले से ही मेजर करके इन्हें बाउल में रेडी करके रखा है। आप घर पे रखी हुई कटोरी या स्पून से मेजर करके बिल्कुल भी यूज मत करिएगा। बेकिंग में हर चीज बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में रहनी चाहिए। तो मैदा डालने के बाद हम इसे बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे, तो पहले हाथ से आप इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। तो मैं यहाँ पर अब ब्लेंडर यूज कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बचे। आप चाहे तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आप इसे ओवर मिक्स बिल्कुल भी मत करिएगा। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। ओवन को आप 180 डिग्री पर 2 मिनट प्री हीट करने के लिए रख दें। तो केक को बहुत ज्यादा स्पॉन्जी बनाने के लिए आप इसमें डाल दीजिए लेमन जूस, मतलब नींबू का रस। और इसके बाद आप केक बैटर को बहुत ज्यादा मिक्स मत करिएगा, सिर्फ 2-3 राउंड ही आप इसमें स्पैचुला का चलाएं, कुछ इस तरीके से। बैटर को डालें आप केक मोल्ड में जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। तो केक को हमें 180 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। तो ओवन में डालने के पहले आप इसे 2 से 3 बार इस तरीके से टैप कर लें ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं इसमें से निकल जाएं। और 30 मिनट्स के बाद इसमें टूथपिक डाल के चेक करें केक अच्छे से बना है कि नहीं। अगर टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है इसका मतलब कि केक अच्छे से बन चुका है। तो केक को 15 मिनट ठंडा होने के बाद आप मोल्ड से निकाल लें। तो आइसिंग करने के पहले जो केक है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। गर्म केक में आप आइसिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। तो मैंने केक कटर से इसे एक लेयर में काट लिया है। अगर आपके पास केक कटर नहीं है तो आप इसे नाइफ से भी काट सकते हैं। मैं आपको दिखा दी हूँ कि इसे नाइफ से भी किस तरीके से काटा जाता है। तो केक को घुमाते हुए आप इसे नाइफ से मार्क कर लीजिएगा कि आपको कितने मोटाई का इसमें लेयर चाहिए, और उसके बाद जहां पर भी आपने मार्क किया है आप नाइफ से इस तरीके से काट के इसकी अच्छी सी लेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने केक को 3 लेयर्स में कट कर लिया है। तो केक के लास्ट लेयर से मैंने क्रम्स कुछ इस तरीके से निकाल लिए हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आइसिंग करने के लिए आप ले लें व्हिपिंग क्रीम, और उसमें डाल दीजिए आप वेनिला एसेंस और थोड़ी सी शक्कर। अगर जो व्हिपिंग क्रीम आप यूज कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी शुगर है तो आप शुगर एड मत करिएगा। तो इसे हमें अभी अच्छे से व्हिप करना है जब तक इसमें स्टिफ पीक नहीं आ जाती। तो ये करने में आपको 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। और आप बाउल को साइड से भी क्लीन करते जाइएगा ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से व्हिप हो पाए। और अब जो क्रीम है वो अच्छे से व्हिप हो चुकी है, इसमें एक अच्छे से स्टिफ पीक बन चुका है।
बस आप इसे और ज्यादा बीप मत करिएगा। तो आप एक केक बोर्ड ले लें और उसमें पहले लगा लें आप व्हिपिंग क्रीम, ताकि जब हम इसमें केक रखें तो केक इसमें से स्लिप होकर ना गिरे। तो अब आप बोर्ड में रख दीजिए पहला लेयर और इसे हम अच्छे से स्पॉन्जी बनाने के लिए डालेंगे इसमें शुगर सिरप। अगर आपको शुगर सिरप नहीं चाहिए तो आप सिर्फ इसमें पानी भी डाल सकते हैं। और फिर हम डालेंगे इसमें व्हिप्ड क्रीम। व्हिपिंग क्रीम और बटर क्रीम फ्रोस्टिंग की रेसिपी आपको मेरे डॉल केक की रेसिपी में भी मिल सकती है। तो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है कि किस तरीके से फ्रोस्टिंग की जाती है केक की, तो आप वो चेक करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो यहाँ केक के एक लेयर में अच्छे से व्हिपिंग क्रीम लग चुका है और अब हम इसके ऊपर रखेंगे केक का दूसरा लेयर। तो सेम प्रोसीजर हम फिर से फॉलो करेंगे, इसमें शुगर सिरप डालेंगे और व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो केक के साइड से भी आप एक्स्ट्रा क्रीम निकाल लें। और अब बारी आती है केक की टॉप लेयर की, तो उसमें शुगर सिरप आप कुछ इस तरीके से डालें और फिर उसे रख दें आप टॉप पर और फिर इसमें आप डालिए व्हिपिंग क्रीम। तो क्योंकि यहाँ हम इसे चॉकलेट लेस से डेकोर करने वाले हैं, इस वजह से आप इसमें बहुत ज्यादा क्रीम मत लगाइएगा। इसी साइड से आप एक्स्ट्रा क्रीम जितना भी है आप इसे अच्छे से निकाल दीजिएगा। तो फ्रीज में आप इसे कम से कम आधे घंटे के लिए रख दीजिए, पर रखने के पहले आप केक बोर्ड को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। तो चॉकलेट लेस बनाने के लिए आप ले लीजिए कोई भी ग्रीस प्रूफ पेपर या फिर बेकिंग पेपर और उसे केक से 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लंबा काट लीजिएगा। मैंने यहाँ इसे पेंसिल से मार्क कर लिया है और इसे लंबाई में ऐसा काट लिया है। तो इसे अब हम राउंड शेप में देखेंगे कि इसे हमें कितना लंबा लेना है। तो सिर्फ आप 1 सेंटीमीटर इसमें एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो ये जो मैंने पेपर लिया है ये एकदम ही परफेक्ट कट है। तो केक को आप फिर से फ्रिज में रख दीजिए ताकि लेस लगाने के वक्त वो बहुत ही अच्छे से ठंडा रहे। और फिर आप ले लें यहाँ पर 50 ग्राम डार्क चॉकलेट जिसमें 70% कोको हो। तो आप यहाँ पर डार्क चॉकलेट ही यूज करिएगा। इसे डबल बॉइलिंग मेथड से मैंने मेल्ट कर लिया है। अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है, बट चॉकलेट इस वक्त बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो मैंने उसे 10 मिनट रूम टेम्परेचर में रखा है। और 10 मिनट रखने के बाद ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है और थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसे भरेंगे पाइपिंग बैग में। तो पाइपिंग बैग को मैंने ग्लास में कुछ इस तरीके से डाल चुका है। ये बहुत ही इजी मेथड है पाइपिंग बैग को फिल करने का। अगर आपके पास घर पे पाइपिंग बैग नहीं है तो जो जिप वाले पाउच आते हैं आप उसे भी पाइपिंग बैग के जैसे यूज कर सकते हैं। तो पाइपिंग बैग को मैंने किया है एक छोटा सा कट और उसके बाद जो हमने बटर पेपर कट किया था उसमें आप अपने मन से कोई भी डिजाइन कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ बटर पेपर के नीचे टिश्यू पेपर रखा है ताकि मुझे बाद में टेबल क्लीन करने की जरूरत ना पड़े। तो पूरे बेकिंग पेपर में पैटर्न बनाने के बाद आप इसे सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो अगर आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा है तो इसे सेट होने में कम समय लगेगा और अगर बहुत ही ज्यादा गर्म है तो इसे सेट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। और सेट होने के बाद ये एक दूसरे से मिक्स भी नहीं हो रहे हैं और ये टूट भी नहीं रहे हैं, तो ये बिल्कुल राइट टेक्सचर है इसे केक में लगाने के लिए। तो केक को आप फ्रीज से निकालें और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से इसे घुमाकर आप लगा दें। और याद रखिएगा कि जो केक है वो अच्छे से ठंडा होना चाहिए ताकि जब हम इसे इस पे लगाएं तो जो चॉकलेट है वो अच्छे से हार्ड होना स्टार्ट हो जाए। तो आप बिल्कुल ही हल्के हाथों से इसे प्रेस करिए और इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दें। और फ्रिज में 10 मिनट रखने के बाद इसे अब हम ओपन करके देखेंगे कि इसका लेस अच्छे से बना है कि नहीं। अगर पेपर निकालते वक्त थोड़े बहुत चॉकलेट इसमें टूट जाते हैं तो डोंट वरी, ये ऐसा नॉर्मल है। तो हल्के हाथों से आप ये पेपर को कुछ इस तरीके से खींचते जाएं। तो बिल्कुल बोरिंग सा दिखने वाले केक को आप कुछ इस तरीके से डेकोर करिए और ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल लुक देता है। तो आप बर्थडे एनिवर्सरी या वैलेंटाइन डे में कुछ इस तरीके से केक बना के जरूर देखिएगा। तो मेरे रूम में गर्मी की वजह से जो लेस है वो हल्के से अंदर की साइड मुड़ चुके हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो डरने वाली कोई बात नहीं है, इसे फ्रूट से हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो फ्रूट यहाँ आप अपने पसंद का कोई सा भी डाल सकते हैं या आपके पास जो भी अवेलेबल हो। तो मेरे पास यहाँ पर चेरीज थी, कुछ रेसबेरी थी, कुछ ब्लैकबेरी एंड कुछ ग्रेप्स थे, तो मैंने उससे डेकोर किया है।
आप इसे एप्पल या ऑरेंजेस के स्लाइसेस के साथ या फिर स्ट्रॉबेरी के साथ भी डेकोर कर सकते हैं। वो दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रूट्स के साथ आप इसमें ओरियो बिस्किट या फिर कैडबरी चॉकलेट्स उससे भी टॉपिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ फाउंडेंट के कुछ हार्ट्स लगाए हैं। ये आपको मार्केट में रेडीमेड भी मिल सकते हैं या आप घर में भी बना सकते हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे सिल्वर डस्ट से इस तरीके से स्प्रे किया है, ये एडिबल स्प्रे आता है। और अब बारी आती है केक को कट करने की। तो आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।